उस आठ तारीख पर कई आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था नो टर्निंग बैक ये आपने कहा है एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती मैंने कोई क्योंकि तो उन्होंने आपको वहां से निकाला था घर से जी आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया और उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया क्या इजी इजी इज इज इट ओवर फॉर हिम इतना ही था कि अब मैं तो आप नहीं चाहते मुझे तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले आपको बुरा तो फील होगा लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद आ, इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं आप आठ तारीख को सुशांत को छोड़ती हैं चौदह तारीख को दोपहर को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड आत्महत्या किया है मैं आपसे आज सीधा पूछता हूं आप इतनी करीब रही सुशांत से के साथ एक साल के लिए आपको क्या लगता है सुशांत ने सुसाइड की या फाउल प्ले था मैं खुद जानना चाहती हूँ आज से चौदह के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही ना मैं वहाँ थी उनकी बहन वहाँ थी बाकी लोग वहां थे मीतू जी मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ आठ से चौदह के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था मैं खुद जानना चाहती हूँ इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है जी कि अमित शाह जी मैं चाहती हूँ कि सुशांत के मामले में इतने हफ्ते हो गए सीबीआई इंक्वायरी हो जी. क्यों चाहती थी क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक आई एम अनक्लियर कि आठ से चौदह के बीच में ऐसा क्या हुआ और ये इट्स सो अनक्लियर और मैं जानना चाहती हूं इवन आई वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत बट आई आई एम वेरी आई एम आई एम वेरी कंफ्यूज कोई बोलता है ये कोई बोलता है वो मजाक बना के रख दिया विच इज वाई आई वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी क्योंकि आप एक समय कहती हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले एफआईआर जो दर्ज होती है फिर सीबीआई के पास रखती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और जुरिस का सवाल उठाती है लोगों को यह लगता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी लोगों की गलत फहमी है आप चाहती थी डे वन से आप तैयार थी उसके उसमें तो आपको मेरे... भी विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से फिर नहीं ऐसा नहीं था मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे क्योंकि लोगों मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में मुझे विश्वास है ईडी में मुझे विश्वास है सीबीआई में लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रेट बनती जा रही हूँ लोग मुझे बोलते जा रहे हैं जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे आठ और चौदह के बीच में डिड सुशांत कॉन्टेक्ट यू कभी आपसे बात की एस एम एस किया व्हाट्सएप किया ऑन द नाइन्थ सुशांत का मुझे लास्ट मैसेज आया था हाउ आर यू माई बेबू क्योंकि वो जानता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है Uh, लेकिन एट्थ दोपहर को मैं घर आई थी और नाइन्थ uh, दोपहर तक उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था इसलिए नाइन्थ को जब उन्होंने ये वाला मैसेज भेजा हवा यू माई बेबू मैं काफी सैड uh, थी आई वॉज वेरी हर्ट कि ना तुमने मुझे फोन किया तुमने एक मैसेज भेजा है सिर्फ ये जानते हुए कि मैं कितनी एंक्शस हूं मैं कितनी बीमार हूं uh, तो uh, उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया नाइन्थ को uh, क्योंकि मुझे लगा कि

Uh, दस तारीख को uh, उन्होंने मेरे ब्रदर को एक मैसेज भेजा है uh, वो भी मैसेज है मेरे पास कि भाई हाउ इज रिया तो मेरे भाई ने बोला कि हाउ इज रिया लेट मी नो इज बेटर मेरे भाई ने बोला ओके okay भाई यू टेक केयर टेक केयर भाई ओके okay भाई इतना ही हुआ उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया आई नीड यू कम बैक अगर वो ऐसा बोलता तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती

अगर सुसाइड था तो क्या हुआ एट से तेरह या फोर्टीन के बीच में उनकी बहन मीतू जी वहां थी वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ आठ से लेकर चौदह तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ